दो रुख वाली दिन अच्छे तो सभी मिले दुर्जन मिले नरीते। अरे कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी बोल सावरिया से ठीक ही है। क्या रखा है झूठी दुनियादारी ने, कुछ तो है सामने कुछ तो है सामने दिलिया री में, कुछ तो है सरकार की सरकार है झूठिया किसको भरोसा, जरा मेरे श्याम पर हाथ उठाएं, जरा श्याम पर जो भरोसा करते हैं हाथ उठा के ताली बजाते हैं समर्थन करेंगे, क्या बोलेंगे? है भरोसा मुझे, है भरोसा मुझे तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है छुटी दुनियादारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है छुटी दुनियादारी में, कुछ तो है सारे कुछ तो है बादशाह तेरी यारी में, कुछ तो है सरकार तेरी सरकारी में, क्या रखा है छुटी दुनियादारी में।
गुणगान किया तूने दिया वरदान, मैंने बस गुणगान किया तूने दिया वरदान। हे मेरे श्याम, हे श्याम मेरी नजरों में वो नूर आ जाए, हे श्याम मेरी नजरों में वो नूर आ जाए, मैं जिधर भी देखूं बस तू ही तू नजर आए, बस तू ही तू नजर आए। आ गया है मजा तेरी यारी में, बस तो है सरकारी सरकारी में, ओ क्या रखा है झूठी दुनिया भरी। अरे हम जय महाराज रे, जो ताली बजाते हैं स्वागत करेंगे जय महाराज का, बोले जय महाराज की जय हो। भाई हो बहन हो धर्म पत्नी क्यों ना हो, लेकिन सच्चा पति भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है कब उनका प्यार बदल जाए कोई भरोसा नहीं, इसलिए इस झूठे संसार के प्राणी पर कभी भरोसा नहीं करना। भरोसा करना तुम्हें श्याम पर भरोसा करना, और यही बोलेंगे कि मौसम साफ बदले लोगों का
और परम पूज्य बड़े व्यासपीठ मंचासीन हो चुके हैं, विशेष सूचना परम पूज्य बड़े भी 16 फरवरी से 22 फरवरी तक श्री धाम वृंदावन में भागवत यात्रा होने जा रही है और जिसमें प्रेस 84 कोस भी वाहन द्वारा परिक्रमा लगवाएंगे। प्रेस 84 कोस की जो भी भक्त हैं प्रेस 84 कोस की वाहन के द्वारा यात्रा करना चाहते हैं, श्री धाम वृंदावन में भागवत श्रवण करना चाहते हैं, वो महाराष्ट्र जी के पास महाराष्ट्र जी से संपर्क करके अपनी बुकिंग रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र के पास करवा सकते हैं। दिनांक 16 फरवरी से प्यारे आपको मनाऊं
के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जलेन शीतलीकरणम् आत्मा विबंधनम् परमात्मा विबंधनम् अतमंत्र पुष्पांजलिम् ओम जगेन जगमे जंत देवास तानि धर्माणि प्रदमान्यासन्नः देहनाकं महिमानः सजंजत्र पूर्वे शाद्याः संति देवाः ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे कौशल्यानंदनाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ओम अंजनी नंदनाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम नंदनंदनाय विद्महे राधा प्रियाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात् नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ससांगाय सायुधाय सभक्तिगाय भगवते श्री बालकृष्णाय नमः उभय चरणारविन्देषु मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा
बुद्ध्यात्मनः वा प्रगते स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मान्तकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणापदे पदे ओ श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की गलंगाधीश स्नान की द्वारिकाधीश भगवान की श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की श्री जानकी नाथ भगवान की श्री गोदारंगनाथ भगवान की श्री रामानु स्वामी जी महाराज की श्री स्वामी जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मः व्यामोहदस्तदितराणि त्रिणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सिदयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन् वयानाम् आदर्शनः कुलवदेव कुलाभिरामम् श्रीमद्वदङ्ग्रियुगलम् प्रणमामि मूर्धना कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्रीराधा जो मेरी स्वामिनी तुम्हें राधे जु खुदा जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन को मेरो मन गिरवी धरो मन मोहन के पास प्रेम ब्याज इतनो बढ़ो कि छूटन की नहीं आस अस्मत गुरुभ्यो नमः अस्मत परम गुरुभ्यो नमः अस्मत सर्व गुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए श्रीमद्भागवत में श्रवण करने का अधिकार प्राप्त करें अधरम मधुरम वदनम
मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम 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 नयनम मधुरम हसितम Thank you.
मधुरम मधुराधिपते रखिल मधुरम श्रीमन्नारायण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेद व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा वरुणालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वांतर्यामिन जगदाधार जगदीश्वर जगत नियंता देवकी नंदन वसुदेव नंदन नंद नंदन की कृपा से सप्ताह ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस के सत्संग वेला में आप लोग पधारे हैं। कल के सुंदर प्रसंग में भगवान की प्रागट्य उत्सव की लीला श्रवण करके गए थे। नंद बाबा के यहां पर भगवान का पदार्पण हुआ है। जन्म मथुरा में हुआ और बधाई कहां बट रही है? गोकुल में नंद बाबा के यहां। नंद बाबा अपने गोकुल में कोई भी ग्वाल बाल के यहां पर कोई मांगलिक कार्य होता था तो सबसे पहले जाया करते थे। तो आज नंद बाबा के यहां पर लाला हुआ तो सब ब्रजवासी बाबा को बधाई देने के लिए, बधाई लेने के लिए और बधाई गाने के लिए आए हैं। देखो, बधाई शब्द के कई अर्थ हैं। एक तो बधाई गाना, कल गाए थे ना, नंद जी के आंगन में बज रही आज बधाई, तो एक तो बधाई गाई जाती है, एक बधाई बांटी जाती है।
कल आपको बधाई मिली कि नहीं, हमारे मुख्य आयोजक निर्मल जी चोरिया ने बोले सबको बधाई देना है, तो मिली ना सबको बधाई, तो एक बधाई बांटी जाती है और एक बधाई मांगी जाती है। अपन किसी से कुछ और कुछ नहीं मांग सकते, लेकिन बधाई तो मांग सकते हैं ना, आज तुम्हारी ये मांगलिक कार्यक्रम हुआ, हमें बधाई दो। तो ऐसे बधाई शब्द के कई अर्थ हैं। कल नंद बाबा के यहां पर समस्त ब्रजवासी पधारे हैं और देखो नंद बाबा ब्रजमंडल में किसी भी गोप ग्वाल के यहां पर कार्यक्रम होता सबसे पहले पहुंचते थे, और जब नंद बाबा के यहां पर लाला आने वाले थे तो ब्रजमंडल के लोग आकर कहने लगे कि बाबा तुम्हारे लाला है जाएगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। आजकल का जमाना तो था नहीं, तो मोबाइल से सबको कह देते, व्हाट्सएप कर देते। तो नंद बाबा कहने लगे कि देखो ब्रजवासियों, मैं पूरे ब्रजमंडल में मेरे घर में एक नौपत लगाऊंगा, थोड़ी दूर बाद में एक नौपत और लगाऊंगा कि ये नौपत बजाए तो अगली नौपत तक सुनना चाहिए। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर में मैं पूरे ब्रजमंडल में नौपत लगा दूंगा, नगारे लगा दूंगा, और मेरे यहां पर लाला का जन्म होगा तो मेरे घर के आंगन की नौपत बजेगी सबसे पहले, और मेरे घर की आंगन की नौपत की आवाज सुनकर के जो बाजू वाला है वो नौपत बजाएगा, फिर उसकी सुनकर के वो आगे वाला बजाएगा, ऐसे पूरे ब्रजमंडल में नगारे बजने लगेंगे, नौपत बजने लगेगी। तो समझ लेना कि मेरे यहां पर लाला का जन्म हो गया। ऐसे नंद बाबा बधाई देना जानते थे सबको। तो आज नंद बाबा गौशाला में से दौड़ करके आए हैं। नंदा और सुनंदा ने पहले ही नंद बाबा के आंगन की नौपत बजा दी, तो पूरा ब्रजमंडल नंद बाबा के यहां नंद भवन में पहुंचा है। नंद बाबा गौशाला में से दौड़ करके आए, जब तक तो पूरा ब्रजमंडल के लोग बाबा के आंगन में, बाबा के चौक में, नंद भवन के चारों तरफ ब्रजवासी खड़े हैं। अब नंद बाबा नंद भवन के मालिक आए हैं, लेकिन उनको जाने की जगह भी नहीं है, तिल्ली भी उछाले तो वो नीचे ना गिरे, इतने लोग खड़े हैं, वो भी जमीन पर ना पड़े। नंद बाबा अपने पैरों के पंजे पे खड़े होकर के एडी उठा करके देख रहे हैं कि कितनी भीड़ आई है। नंद बाबा सभी ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों तुम सबको मेरे लाला की बधाई दूंगा। तो नंद बाबा घर के अंदर गए हैं और नंद भवन के आंगन में एक छोटा सा झूला लगाया है, उस झूले में बाल कृष्ण भगवान को सुला दिया है। ब्रजमंडल की जो गोपिकाएं हैं लाला के दर्शन भी कर रहे हैं और सुंदर पोशाक लेकर के आई है लाला के लिए, और कहती है कि यशोदा यह पोशाक हमारी तरफ से तुम्हारे लाला को पहना देना। हजारों गोपिकाएं आई हैं, सब ब्रजमंडल की गोपिकाओं की पोशाक मां यशोदा ले रही है, और गोपिकाएं यशोदा जी से प्रार्थना करती है कि अरे यशोदा इतनी पोशाक तुम्हारे घर में आई है तो हमारे लाला की पोशाक कभी धारण कराओगे कि नहीं। तो मां यशोदा कह रही है कि मैं लाला को चाहे 10-10 मिनट में पोशाक बदली करना पड़े, जितनी मेरी पोशाक आई है सब लाला को धारण कराऊंगी। ऐसे ब्रजमंडल की गोपिकाएं
यशोदा को बधाई के रूप में पोशाक दे रही है कि हमारी तरफ से पोशाक ले लो, और नंद बाबा से बधाई मांग रही है, बाबा या तो इस आंगन में तुम्हारा जन्म हुआ था तब इस घर में थाली बजी थी, और या आज कई वर्षों के बाद में तुम्हारे घर के आंगन में ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, तो आज थाली बजी है, आज बधाई मांगने का अवसर हमें मिला है, तो आज सब ब्रजवासी नंद बाबा के यहां पर जाकर के लाला के दर्शन भी करते हैं और नंद बाबा से बधाई भी मांग रहे हैं। तो यशोदा जी आंगन में बाल कृष्ण को पलने में सुला दिया है। सब ब्रजमंडल की गोपिकाएं गोपगण एक एक झूला भी दे रहे हैं और सब लाला का दर्शन करते हुए नंद बाबा से बधाई मांग रहे हैं। तो अपन भी नंद बाबा से बधाई मांगे और लाला को एक एक झूला देवे। कन्हैया झूले पले ना एक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना एक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना एक होले झोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले ना एक होले झोटा दीजो, एक होले झोटा दीजो, एक धीरे झोटा दीजो, सभी गोपिकाएं झूला लगा रही है। तो आप ही यहां बैठे बैठे ताली सेवा देते हुए झूमते हुए ऐसा ध्यान करो कि हम भी यशोदा के आंगन में भगवान को झूला देने के लिए जा रहे हैं। हो मेरो लाला हो मेरो काना हो मेरो लाला झूले होले दो। जय हो।
यज्ञ बन है पालनो ऐसे ब्रजमंडल की समस्त गोपिकाएं भगवान को झूला भी लगा रही हैं और नंद बाबा से बधाई मांग रही हैं। नंद बाबा सबको बधाई दे रहे हैं। समस्त ब्रजवासी प्रसन्न होकर के बाबा को आशीर्वाद दे रहे हैं। बाबा तुम्हारा लाला हमेशा सुखी रहे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने के लिए गए हैं और साथ में एक सुंदर थाल जिसमें हीरा मोती जवाहरत लेकर के कंस महाराज को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा में गए, वसुदेव जी से मिले हैं, वसुदेव जी को बड़ा आनंद हुआ है। दोनों ने एक दूसरे का कुशल मंगल पूछा है। किसी मित्र से मिलने के लिए जाओ तो उस मित्र से कभी सुख की बात नहीं करना। कोई मित्र अगर दुखी है तो उसके पास जाकर के अपने सुख की बखान नहीं करना। हमारे तो इतनी गाड़ियां हैं, हमारे तो इतनी दुकान है, हमारे तो फैक्ट्री है। मित्र की परिस्थिति देख करके अपने सुखों की बखान नहीं करना। जब नंद बाबा वसुदेव जी से मिले हैं तो अपने सुख की बात नहीं कही। नंद बाबा कह रहे हैं कि वसुदेव देखो कंस कितना पापी है, तुम्हारे कितने संतानों की मौत के घाट उतार दिया, कितने संतानों को। आज तुम्हें कितने वर्ष हो गए कारागृह का जीवन कितना कठिन होता है। तो वसुदेव का दुख बांटने के लिए नंद बाबा गए हैं। वसुदेव जी नंद बाबा से मिले हैं, कुशल क्षेम पूछा है। नंद बाबा वसुदेव जी के पास कुशल मंगल पूछने के बाद में वसुदेव जी कहने लगे कि आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ था। मैं रात्रि में अपने लाला को आपके घर सुला करके आया हूं और आपकी पुत्री को लेकर के आया हूं। आपका लाला मेरा ही लाला है। तो वसुदेव जी कह रहे हैं कि मैं कब कह रहा हूं मेरा लाला है, तुम्हारा ही लाला है वसुदेव। हां ये बात सच है, किंतु इसमें कंस का कोई दोष नहीं है, किंतु आपके घर के जो बालक हैं ये सब आपके ही हैं वसुदेव।
नंद बाबा ने भोलेपन से कह दिया कि हाँ मैं कह रहा हूं आपका ही बालक है। वसुदेव जी मन ही मन कह रहे हैं कि कन्हैया मेरा है, मैं उसे आपके घर में रात्रि में छोड़ करके आया हूं। नंद बाबा कंस महाराज से मिलने के लिए राजमहल में गए। कंस को बहुत सुंदर एक थाल सजा करके उसमें हीरे मोती जवाहरात और कंस को भेंट दिया है कि मेरे लाला की बधाई कंस महाराज स्वीकार करो। कंस ने नंद बाबा की बधाई को लिया है, मस्तक के लगाया है और कंस स्वयं अपने मुख से कहने लगा, नंद बाबा तुम्हारा लाला सुखी रहे, आनंद में रहे, उसके शत्रु शीघ्रता से मर जावे। ऐसे कंस महाराज भी नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे राधे महाराज। मथुरा से कंस महाराज से मिलकर के वापिस वसुदेव जी के पास में आए हैं तो वसुदेव जी कहने लगे कि नंद बाबा मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे गोकुल के अंदर में कोई घटना घट गई है, इसलिए तुम शीघ्र ही गोकुल में चले जाओ। नंद बाबा ने वसुदेव की बात सुनी और कहा कि वसुदेव एक जगह आज 11 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, वसुदेव सही कह रहे होंगे। उसी क्षण वसुदेव की आज्ञा लेकर के नंद बाबा गोकुल की ओर आने लगे हैं। मार्ग में अपने लाला के लिए कुछ वस्तुएं खरीदे, खिलौने खरीदे हैं। आप बाजार में जाओ तो अपने ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आना चाहिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ आप वस्तु लेकर के आते हो तो ऐसा भी अपने ठाकुर जी के लिए कुछ न कुछ लेकर के आना। नंद बाबा अपने लाला के लिए बाजार से खिलौने लिए हैं, जो भगवान के लिए खरीदता है। किसी कवि ने कहा है कि प्रभु पक्ष में धन लगे तिनके धन को धन है धन है धन है, कि भगवान के कार्य के अंदर में जिसका धन लगता है उसका धन तो धन्यवाद का पात्र है। प्रभु पक्ष में धन लगे तिनके धन को धन है धन है धन है। एक गणिका किसी महफिल में नृत्य कर रही है, उस नृत्य करते हुए गणिका कह रही है, तान बजता है, किन 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 करता है, मृदंग बजता है, धिक धिक करता है, मृदंग कहे धिक है धिक है, तब तान कहे किन को, तब गणिका हाथ पसार कहे इनको 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 इनको। आप लोगों को नहीं, आप तो कोई गणिका की महफिल में थोड़ी बैठे हो, आप तो भगवान की कथा वार्ता में बैठे हो ना। तो एक गणिका हाथ पसार करके कहते हैं कि मैं तो थोड़े समय में अपना धन बटोर करके ले जाऊंगी, लेकिन तुम अपना धन भी बर्बाद कर रहे हो और तुम्हारा समय भी बर्बाद हो रहा है। इसलिए धन्यवाद का पात्र कौन हुआ, जो भगवान की सत्संग में भगवान के प्रति धन को खर्च करता है उसका धन तो धन्यवाद का पात्र है। ऐसे नंद बाबा भगवान ठाकुर जी के लिए नई नई वस्तुएं लाते हैं तो उस घर को कभी भी लक्ष्मी छोड़ती नहीं है। प्रेम से कहिए श्री राधे श्री राधे। देखो बाजार में जाओ ना तो जब ठाकुर जी के लिए कोई खिलौना खरीदो तो ये मत कहना कि पूजा के लिए चाहिए। आजकल दुकानदार भी बड़े चतुर हैं, बोले घर में चाहिए या भगवान के लिए, तो आप कहो भगवान के लिए तो उनसे ये कहना कि महंगी से महंगी वस्तु दिखाओ,
ऐसा नहीं कि भगवान के लिए तो एकदम पूजा के लिए तो एकदम सस्ती वस्तु खरीदे, तो भगवान के लिए एकदम महंगी से महंगी वस्तु लाओगे। जो भगवान के लिए धन खर्च करता है तो लक्ष्मी कहती है कि उस घर को मैं कभी भी छोड़ दे नहीं। आज नंद बाबा मथुरा से अपने लाला के लिए उपाना है वस्तुएं खरीदी है, खिलौने खरीदे हैं। लाला की याद करते करते वापस गोकुल की ओर आ रहे हैं। इधर पूतना वध की तैयारी हो रही है। जब नंद बाबा मथुरा के बाजार में घूम रहे थे उस समय कंस महाराज ने एक आपातकालीन मीटिंग बिठाई। कौन सी मीटिंग? एक तो होती है भाई अपन डेट फिक्स करते हैं कि इतनी तारीख को ये मीटिंग करना है, हमारा ये कार्यक्रम है। आपातकालीन मीटिंग उसे कहते हैं कि तत्काल में सब लोगों को एक जगह एकत्रित करना। तो कंस महाराज के जितने मंत्री अंतरी संतरी थे सबको एक जगह बुलाया और कहने लगे कंस महाराज की कल में देवकी के जो गर्भ में एक कन्या थी उसको जन्म दिया था और मैं उस कन्या को मारने के लिए गया था ना, उस समय मैं कन्या को हाथ में लेकर के यूं ऊंचा किया तो वो कन्या आकाश मार्ग में चली गई और मेरे को आकाशवाणी में एक बात कह करके गई कि अरे पापी कंस तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में गोकुल में पहुंच गया है। तो अपने मंत्रियों से सलाह लेने के लिए कंस ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई है। तो सभी मंत्री कहने लगे महाराज इतना बड़ा ब्रजमंडल है, हर घर में छोटे छोटे कोई ना कोई घर में बालक मिल जाते हैं, तो आपका शत्रु कौन सा है कैसा है इसका पता लगाना मुश्किल है। इतने में दौड़ती हुई कंस महाराज की बहन है पूतना, वो आकर कहने लगी कि भैया तुम्हें आकाशवाणी हुई ना कि ब्रजमंडल में एक बार महाराज श्री का स्वागत करने के लिए चौरिया परिवार निर्मल जी चौरिया आ रहे हैं, आप अपने स्टेज पर अपने जगह पर बैठ रहे हैं। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे Hey, boy.
भगवान वृंदावन में गोकुल के अंदर में पहुंचे हैं। कंस महाराज ने आपातकालीन मीटिंग बिठाई है तो कंस महाराज की बहन पूतना आकर कहने लगी कि भैया आप चिंता मत करो, ब्रजमंडल के अंदर में जितने 6 महीने के बालक होंगे उन सब बालकों को मैं अपने स्तन के विष लगा करके उन सबको स्तन पान करा करके सबको मृत्यु की प्राप्त करवा दूंगी, आप चिंता मत करो। तो कंस कहने लगा कि अरे पूतना, तुम्हारा ऐसा अपमंगल वेश देख करके तुम्हें अपने घर में कौन जाने देगा? महाराज, पूतना कहने लगी मैं अपना सुंदर वेश बना करके जाऊंगी, अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण करके अलंकार पहन करके जिस घर के द्वार में जाऊंगी तो कोई मुझे मना नहीं करेगा। तो पूतना ने अपना सुंदर वेश धारण किया है, कंस महाराज की आज्ञा लेकर के ब्रजमंडल में छोटे छोटे बालक थे 6-6 महीने के, कई घरों में पूतना गई है, उन बालकों को अपने गोद में लिया है, पूतना ने अपने स्तन के जहर लगाया है और कई बालकों की हत्या की है। पूतना हत्या करते हुए ब्रजमंडल की ओर आ रही है। नहीं ज्ञानेन सदृश्यं पवित्रमयी च विद्यते, पवित्रमयी च विद्यते। पूतना अनेक बालकों की हत्या करती हुई गोकुल में पहुंची है। नंद बाबा अपने लाला के लिए खिलौने लेते हुए आ रहे हैं। पूतना नंद बाबा के द्वार पे पहुंच गई है। पूतना इतनी सौंदर्यवती स्वरूप लेकर के नंद भवन के द्वार पे आई तो द्वारपालों ने पूतना को रोका नहीं, क्योंकि सुंदर कपड़े पहन करके आई थी, अलंकार पहन करके आई थी। तो द्वारपालों ने देखा यशोदा की कोई सहेली होगी, यशोदा से मिलने को आई होगी, हम इसको द्वार पे रोकेंगे तो इसको बुरा लगेगा। तो द्वारपालों ने भी पूतना को रोका नहीं, पूतना जाकर के नंद भवन के आंगन में यशोदा जी को आवाज लगाने लगी, अरे बहन यशोदा। क्या कहा? अरे बहन यशोदा। यशोदा जी ने उस नारी को देख करके
पहचानी नहीं, क्योंकि आज तक उस नारी को कभी देखा भी नहीं था। तो यशोदा कुछ बोली नहीं, लाला यशोदा की गोद में सो रहे हैं, शयन कर रहे हैं। अब यशोदा को ऐसा लगा कि मैं इसको कह दूं कि मैं तेरे को पहचानी नहीं, तो इसको शायद बुरा लगेगा कि तुम्हारे लाला होने के बाद में हम छोटे लोगों को तुम भूल गई है। इसलिए यशोदा जी कुछ बोली नहीं और वह पूतना यशोदा के पास आकर के बैठी है और कहती है तुम्हें तुम्हारे लाला का दर्शन करने के लिए आई हूं। यशोदा जी ने पूतना की गोद में लाला को दिया है। यशोदा खड़ी होकर पीछे रोहिणी जी के पास गई। अब रोहिणी जी से कहने लगी, अरे रोहिणी, आज एक सुंदर नारी आई है, मैंने आज तक उसको देखा नहीं, लेकिन वो कहती है कि अरे बहन यशोदा, बहुत सुंदर वस्त्र पहन करके आई है, अलंकार पहन करके आई है, लेकिन मैंने आज तक उसको देखा नहीं है। तो रोहिणी जी कहने लगी, इसमें चिंता की क्या बात है, अपन अभी चलते हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पता लग जाएगा कहीं कहां मिले थे तो याद आ जाएगा। अब रोहिणी जी और यशोदा जी दोनों आपस में बातें करने लगी। अब देखो भाई, भारतीय नारी बातें में लग जाए तो गोविंदाय नमो नमः। एक पति अपनी पत्नी को, घरवाली को किसी पार्टी में ले जाने के लिए तैयार हुआ, तो पुरुष लोग तो देखो भाई ज्यादा तैयार होने में समय नहीं लगाते, नहाए धोए कपड़े पहन लिए, थोड़ा सा मेकअप किया और झट गेट के बाहर। अब उस नारी को पार्टी में जाना तो एक घंटे पहले से संवर रही है, सज रही है, उसका घरवाला गाड़ी में बैठ करके हॉर्न बजा रहा है जल्दी करो, तो वो क्या कहती है, बस 5 मिनट में आ रही। अब 5 मिनट हो गए, फिर कहता है कि चलो, बस बोले 5 मिनट में आ रही। ऐसे करते करते वो आधा घंटा लगा देती। तो ऐसे ही रोहिणी जी और पूतना जी आपस में बातें करने लगी, और इधर भगवान बाल कृष्ण पूतना की गोद में जाते से ही अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना वासना का स्वरूप है, वासना के सामने कभी आंखें खुलती नहीं है। साधारणतः पूतना अपने आंखों के द्वारा ही अपने शरीर में प्रविष्ट करती है। एक बार अपने शरीर में प्रविष्ट हो जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेती।